नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ में पवन कुमार मीणा हैं और ये मंथन क्लासेज हैं, वहाँ से इन्होंने जो है राजस्थान पुलिस की तैयारी की और ये सिलेक्ट होकर आज मंथन क्लासेज में पधारे हैं और मंथन क्लासेज की पूरी टीम है उसका आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं और अपनी शादी का कार्ड है वो भी देने के लिए आए हैं। तो इनका हम जो है माला पहनाकर और छापा पहनाकर है वो हार्दिक स्वागत करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज पवन के मुंह से ही इसकी सफलता की जो कहानी है उस सफलता की कहानी को हम जानते हैं। तो मैं पवन को जो है बोलने की इजाज़त दे रहा हूं कि ये बताए कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी तैयारी की और किस प्रकार से राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हुई। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं खंडेला से गाँव में के पास में गाँव है फतेहपुरा बोमियान, वहाँ से रहने वाले हूँ। और मेरा जो सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हुआ है, वर्तमान समय में मैं जयपुर महेश नगर में पदस्थापित हूँ और मेरा और भी जगह से जोधपुर आरएससी से और झालावाड़ से भी सिलेक्शन हुआ है इसी भर्ती में। मैंने जो है वो नवंबर 2017 के अंदर पहली बार कोचिंग मंथन क्लासेस से शुरू करी थी, राजस्थान पुलिस की मैंने कोचिंग करी थी। मैं यहाँ से कमरा लेकर रहता था, मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। मेरे पिताजी पहले रोडवेज में कार्यरत थे लेकिन किसी कारणवश उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और हम तीन भाई थे जो तीनों यहाँ पर रहकर तैयारी करते थे क्षेत्र में। हमारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमारे पास रहने का एक देने के लिए कमरा किराया भी नहीं था। तो उस समय हमारी ज़िंदगी में देवता बनकर आए थे पोखरमल जी रुहेला, हम जिनके मकानों में रहते थे उन्होंने हमारे लिए जो है वो कमरा जो है वो निःशुल्क किया। उन्होंने कहा जिस दिन लग जाओ उस दिन आप अपना पेमेंट कर देना। और उसके बाद रही कोचिंग की बात, तो मैं कोचिंग मंथन क्लासेज में करता था लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं कोचिंग का पेमेंट भी नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ के कमल जी सर और सभी स्टाफ ने हमारे भाइयों का सपोर्ट किया और हमें मंथन क्लासेज में निःशुल्क क्लासेज जो है वो उन्होंने देना शुरू करी और आज हम तीनों भाई नौकरी करते हैं। जो मेरे भाई एक एलडीसी में है और एक जो है वो सेलटेक्स में है, हम तीनों भाई यहाँ पे निःशुल्क तैयारी करके, लेकिन हमने निःशुल्क को निःशुल्क नहीं समझा, हमने ये समझा कि ये हमारी है, हमारे हमें जो है हमारी ज़िंदगी बनाने का एक मौका मिल रहा है और हमने उसे मौके के रूप में लिया और आज हम जॉब करते हैं। और मैं मंथन क्लासेज का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनकी वजह से मैं इस कामयाबी पर पहुँचा हूँ। और मैं जो वर्तमान समय में इस समय में जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मैं उन्हें एक ही राय देना चाहता हूँ कि मेहनत करते रहिए, आप सफलता की इच्छा मत कीजिए। अगर आपकी मेहनत में दम होगा तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। कभी और किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए, दुनिया जो है वो हमारे बारे में कमेंट करती है, दुनिया हमारी परिस्थितियों के बारे में कभी भी नहीं जानती है, उन्हें वास्तविकता कुछ भी पता नहीं होता है। तो बस ये है, अपने मन लगाकर तैयारी कीजिए, अपना फोकस कीजिए और विशेषकर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना एक टारगेट रखिए। ये नहीं है कि हम जो मर्जी है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपना एक स्पेशल फोकस रखिए और उसी के आधार पर तैयारी कीजिए। जय हिंद सर।